भारत में पर्यटन की जननी माँ गंगा की आरती उतारी गई। विश्व पर्यटन दिवस पर स्वच्छता ही सेवा से गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया गया। भारत की शाश्वत पहचान गंगा एवं काशी के अनमोल धरोहरों के संरक्षण तथा इन्हें स्वच्छ बनाए रखने के संकल्प साथ विश्व पर्यटन दिवस पर शुक्रवार को सिंधिया घाट पर नमामि गंगे ने महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटुकों के साथ माँ गंगा की आरती उतारी। विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली भारत की राष्ट्रीय नदी माँ गंगा का राष्ट्रीय ध्वज लेकर अभिनंदन किया गया। भारत में आस्था और आजीविका का पर्याय गंगा के तट की सफाई की गई। भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं विकसित करने वाले गंगा के लिए गंगाष्टकम एवं द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके गंगा और उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता सहित धरोहरों को संरक्षित रखने का आह्वान किया गया। भारत के लिए गंगा का योगदान अतुलनीय है, इसे मैला न करने की अपील की गई। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटुक सुशील मिश्रा, राजवीर तिवारी, शिवम पाठक, राजीव शौर्य आदि शामिल रहे। गंगा मैया जो पर्यटन को इतना विकसित करती हैं, हमारी काशी का रोजगार बढ़ाती हैं, भारत में जहाँ जहाँ गंगा बहती हैं वहाँ हजारों हजार लाखों पर्यटक रोजाना विचरण करते हैं, रोजी रोजगार उपलब्ध कराती हैं, तो ऐसी गंगा मैया का तट साफ सुथरा हो, निर्मल हो, अविरल हो, हम यह कामना करते हैं। और ये वेद पाठी बटुकों की भी यही कामना है कि हमारे गंगा मैया का तट साफ सुथरा दिखाई दे।